जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका SBG चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिवाजी यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप 2024 में किसी भी कोर्स में आपने अगर एडमिशन लिया है, ठीक है, यानी कि 2023-24 सेशन में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं, या फिर अगर आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं तो वो किस तरह से चेक करोगे, वो भी आप इस वीडियो को देख कर सीख जाओगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जिवाजी यूनिवर्सिटी के कैसे देख रहे हैं, किसी भी कोर्स के आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी को मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। आपको दोस्तों सबसे पहले गूगल पर आना है, गूगल पर आकर सर्च करना है जिवाजी MP ऑनलाइन। इसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर लिंक आएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर हमें जिवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होकर दिखाई देगी। इसके बाद हमें कुछ सर्विसेज दिखाई देंगी। इन सर्विसेज में हमें सबसे नीचे आते जाना है स्क्रॉल डाउन करके। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम अवेलेबल सर्विसेज में नीचे आते जाते हैं और हमें एक टैब दिखाई देगा दोस्तों। कौन सा टैब, जिसका नाम है दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म। कौन सा एग्जामिनेशन फॉर्म, रेगुलर प्राइवेट PhD। इसके नीचे तीन नंबर पर एक लिंक दिखाई दे जिसका नाम है दोस्तों एडमिट कार्ड फॉर रेगुलर प्राइवेट ATKT EXAM। जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एडमिट कार्ड फॉर रेगुलर प्राइवेट ATKT EXAM, इस वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद में होगा क्या, हमारे सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यानी कि नामांकन नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। अब दोस्तों आपने कौन सा सेमेस्टर या आपने कौन सा ईयर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इसमें आप जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर है, जो भी आपका बुक सिलेक्ट करना है यहाँ से। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर का देख रहे हैं। इसके बाद में हमें टर्म सिलेक्ट करनी है। टर्म में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको दिसंबर टर्म सेलेक्ट करना है। दिसंबर में अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर 2023। लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के होते हैं तो फिर आपको जून टर्म सेलेक्ट करना है। और जो भी ईयर है आपका, जैसे कि 2024 में देख रहे हैं तो 2024, इस तरह से आपको यहाँ पर टर्म सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ईयरली स्टूडेंट हैं तो आपके जो ईयरली मार्च, अप्रैल, मई जो भी एग्जाम्स होते हैं वो टर्म आपको सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है, रेगुलर प्राइवेट जो भी आपका स्टेटस वो सिलेक्ट करना है, सर्च कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर पूरा डाटा फिल किया और यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड में हमें क्या दिखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रोल नंबर, जो हमारा रोल नंबर है वो हमें आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और सारा आपका डाटा दिखाई देगा। दूसरा नंबर पे आपको क्या देख रहे हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको दिखाई देगा। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। इस तरह से हमें अपना एडमिट कार्ड देखना होता है, इसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास में रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, मैंने सारी जानकारी आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। इस तरह से आप किसी भी कोर्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी समझ में आ गई, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई जानकारी के साथ, तब तक ले बाय।